हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार पांडे आज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि आप देख सकते हैं कितने लोड पर कितने एम्पियर की एनसीबी लगाएं। मतलब हमको आपको मैं बताने वाला हूं कि कितने एम्पियर पे कितनी एम्पियर की एनसीबी लगानी चाहिए जो कि आपके घरों में अच्छा रहेगा लगाने के लिए। तो इसके बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट और आपको अच्छी जानकारी दे। फ्रेंड, जैसे कि मान लीजिए हमारे घर पे 100 वाट की तीन बल्ब लगी है और एक फैन लगा हुआ है। फैन, पंखा और सीलिंग फैन हमारे घरों पे मान लीजिए तीन लगा हुआ है जो कि 60 वाट का है। और हमारे घर पे 1 HP का पानी मोटर लगा हुआ है, ठीक, और एक प्रेस। दो हजार वाट का मान लीजिए हमारे ये नॉर्मल हमारे घरों पे लगभग ये इतना होता ही है। मान लीजिए 100 वाट की तीन बल्ब जल रही है, हमारा सीलिंग फैन 60 वाट का तीन है और वह 1 HP का मतलब मोटर लगा हुआ है पानी वाला टुल्लू और एक प्रेस लगा हुआ है जो कि 2 वाट का है। तो हमारा ये हो गया 100 × 3 = 300 वाट और ये हमारा हो गया 60 वाट का तीन फैन लगा हुआ है तो 60 × 3 = 180 वाट। पानी मोटर हमारा जो कि आप सब जानते हैं अगर 1 HP का है तो 746 वाट का होता ही है, ठीक, और प्रेस हमारा 2000 वाट का ही है। अभी हमको इसको पूरा जोड़ लेना है कि हमारा कितना बन रहा है, मतलब हमारा ये कितना एम्पियर तैयार हो रहा है टोटल हमारा। तो हम इसको साइड में इसका एम्पियर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 2001 हो गया और 180, 746 और 300, तो हमारा ये मतलब निकलता है 6 8 4 12 2 7 7 3 10 1 11 और 1 हासिल 2 और ये 2। मतलब हमारा ये हमारे घरों पे इतना लोड हमारे घर पे है 2226 वाट मेरा मतलब मेरे घर पे चल रहा है। तो हमारा इतना वाट चल रहा है हमारे घर पे तो हम कितने एम्पियर की एनसीबी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले इसका एम्पियर निकाल लेना है कि हमारे घरों पे मान लीजिए इतना लोड है तो हमारे घर पे कितना एम्पियर लगेगा। तो सबसे पहले हम ये 32 है, 32 2226 होगा तो हम इस 2226 को 220 वोल्ट से भाग करेंगे तो इसका भाग करने पे हमारा लगभग मान लीजिए इसको भाग करेंगे तो हमारा मान लीजिए लगभग 14.2 एम्पियर इतना बनेगा। मतलब हमारे घरों पे घर के ऊपर
अगर हम एक डिवाइस करते हैं तो 14.2 एम्पियर का हमारे घरों पे वोल्टेज बन रहा है, तो हम 14 एम्पियर की तो एनसीबी आती नहीं है ना, 15 एम्पियर की एनसीबी आएगी, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं 16 एम्पियर की एनसीबी लगा सकते हैं, जो कि 16 एम्पियर की एनसीबी लगाओगे तो बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। अगर इससे आप ज़्यादा लगाते हैं, इससे मान लीजिए 32 लगा देंगे, तो अगर हमारे घरों पे 16 लगाएंगे और 32 अगर लगाते हैं तो भी चल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहे 16 लगाइए या 32 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आप अपने घरों पे इससे ऊपर अगर एनसीबी लगाते हैं तो प्रॉब्लम खड़ी होती है, क्योंकि अगर हमारे घरों पे इस यहाँ से यहाँ तक अगर कोई फॉल्ट होता है तो हमारी एनसीबी ट्रिप नहीं करेगी। सबसे मेन चीज़ ये होता है कि हमारी एनसीबी ट्रिप करेगी, जिसे मान लीजिए अगर हमारा ये बल्ब अगर कहीं फॉल्ट होता है, मतलब इसका इसने में कहीं भी वायर अगर हमारा फॉल्ट होता है तो उस वायर के ज़रिए एनसीबी को फॉल्ट हो जाना चाहिए, तुरंत एनसीबी को ट्रिप कर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत बड़ी एनसीबी लगा देते हैं तो वहाँ पे हमारा एनसीबी ट्रिप नहीं करेगी, तो इससे आपको दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तीन बल्ब जल रहा है, तो हम यहाँ पे 10 एम्पियर की एम सी बी लगा सकते हैं, और यहाँ भी 10 एम्पियर की एम सी बी लगा सकते हैं, जो कि पानी के लिए सीलिंग फैन के लिए। और ये जो पानी मोटर है यहाँ पे हम लगा देंगे 16 एम्पियर की एम सी बी, ठीक। और ये प्रेस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेस के लिए आप 16 भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, 10 लगाएंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम यहाँ भी 16 लगा देंगे, क्योंकि बार बार दिक्कत ना हो। तो कुछ इस तरह से एनसीबी लगाने के में आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कितने एम्पियर की एनसीबी लगानी चाहिए, कितने एम्पियर की एनसीबी नहीं लगानी चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको मेरे समझाने का मतलब अच्छा लगा है कि नहीं लगा हुआ है। तो अगर आपको वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।